इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट एलईडी टीवी में प्ले स्टोर ओपन कैसे कर सकते हो और ओपन करने के बाद उसमें एप्लीकेशन या गेम डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड, हमारे पास एक जो रियलमी का स्मार्ट एलईडी टीवी है, तो उसमें मैं मोबाइल से कनेक्ट करने वाला है और कनेक्ट करने के बाद उसमें जो प्ले स्टोर है, तो इस प्ले स्टोर में हमें एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करने वाले है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो चले फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी है जो रियलमी का है, तो उसमें मैं प्ले स्टोर ओपन करने वाले है और उसमें जो एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करने वाले है। तो चलिए मैं प्ले स्टोर पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा स्मार्ट एलईडी टीवी में प्ले स्टोर ओपन हो गए। लेकिन आपको गेम या एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो आपको सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो मोबाइल है, तो इस मोबाइल से आपको स्मार्ट एलईडी टीवी में आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उसमें मैं डाउनलोड करते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी जो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें आपको हॉटस्पॉट ऑन करना है। तो चलिए, इस हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा मोबाइल में जो हॉटस्पॉट का नाम है वही हमारा ए नाम का है। और हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले स्मार्ट एलईडी टीवी है, तो उसमें आपको वाईफाई पे क्लिक करना है। तो चलो मैं वाईफाई पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद उसमें मैं कनेक्ट करने वाला है। तो आपको इस तरह वाईफाई पे क्लिक करना है स्मार्ट एलईडी टीवी में, और आपको वाईफाई ऑन करना है। और ऑन करने के बाद जो हमारा मोबाइल में हॉटस्पॉट का नाम था वही हमारा स्मार्ट एलईडी टीवी में आ गए। तो चलिए, उसमें मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमारा स्मार्ट एलईडी टीवी में इंटरनेट कनेक्ट हो गए। तो चलिए, मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड, आप देख लीजिए कि हमने फेसबुक पे क्लिक किया, लेकिन इस फेसबुक को हमें स्मार्ट एलईडी टीवी में को डाउनलोड करना है। तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए कि डाउनलोड पेंडिंग है, तो वही हमारा एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको इस तरह डाउनलोड करना है, तो आपको डाउनलोड भी कर सकते हो जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल से करते हो। तो इस तरह आपको स्मार्ट एलईडी टीवी में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको इस तरह किसी भी जो आपको गेम पे डाउनलोड करना है, तो आपको गेम पे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो मैं गेम पे क्लिक करता हूँ, और आप देख लीजिए कि गेम का साइट में ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलो मैं गेम पे क्लिक करता हूँ, और आपको किसी भी जो गेम को डाउनलोड करना है, तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलो मैं फर्स्ट में एक जो गेम है, तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपको इस गेम को स्मार्ट एलईडी टीवी में डाउनलोड करना है, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। लेकिन आपको प्रीव्यू में वीडियो देखना है, तो आपको नीचे प्रीव्यू का वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। को आपको देखना है तो उसमें क्लिक करके भी देख सकते हो। तो फ्रेंड, अभी देख लीजिए कि इस जो गेम है वही हमारा स्मार्ट एलईडी टीवी में डाउनलोड हो रहा है। तो आपको इस तरह डाउनलोड पे कर सकते हो, लेकिन उसमें मैं डाउनलोड करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपको डाउनलोड करना है, तो इस तरह आपको एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड स्मार्ट एलईडी टीवी में आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो फ्रेंड, आपके पास जो किसी भी जो स्मार्ट एलईडी टीवी है, तो उसमें जो प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करना है, तो इस तरह आपको गेम या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो इस तरह आपको डाउनलोड भी कर सकते हो। और आपको सर्च में क्लिक करके भी आपको सर्च में एप्लीकेशन या गेम को लाना है, तो आपको सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कर सकते हो। तो फ्रेंड, अभी देख लीजिए कि हमारा कई सारे जो एप्लीकेशन है या गेम है जो माई ऐप है, तो आपको इस तरह उसमें जो गेम या एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो आपको इस तरह डाउनलोड भी कर सकते हो और उसमें आपको इंस्टॉल भी कर सकते हो। जो आपको एंड्रॉयड मोबाइल में जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करते हो, तो इस तरह आपको स्मार्ट एलईडी टीवी में भी कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, आपने जो मोबाइल से स्मार्ट एलईडी टीवी को कनेक्ट किया है, जो इंटरनेट कनेक्ट किया है, वही आपको डिसकनेक्ट करना है, तो आपको जो वाईफाई का ऑप्शन है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, हमारा जो स्मार्ट एलईडी टीवी में जो वाईफाई का ऑप्शन है, तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ।
और क्लिक करने के बाद उसमें जो डिसकनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि मैंने वाईफाई पे क्लिक कर दिया हूँ और क्लिक करने के बाद उसमें जो वाईफाई है वही आपको ऑफ कर देना है। तो अभी देख लीजिए कि वाईफाई ऑन है तो मैं वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड अभी देख लीजिए कि मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया है। तो इस तरह आपको स्मार्ट एलईडी टीवी है तो उसमें जो प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करना है तो इस तरह आपको गेम पी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जो फ्रेंड सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।